और ये देखिए मैं इडली को मैं डाली हूँ डोसा को ढोकला को सॉरी ढोकला को और मैं यहाँ देखिए इसमें बैठा रखी हूँ पानी और इसको गैस पर मैं बैठा देती हूँ और मैं गैस पर बैठा दी हूँ और इसमें ये डाली हूँ इडली का सॉरी ये ढोकला का इडली का खाने इसलिए मैं बार बार इडली बोल रही हूँ ये ढोकला का ये डाल दी और मैं इसको अच्छे से कवर करके इसको 10 मिनट रखने लगी और मैं गैस को मीडियम करके छोड़ देती हूँ मीडियम में अच्छे से पकेगा कच्चा नहीं रहेगा और यहाँ देखिए 10 मिनट हो गया है और 10 मिनट बाद मैंने इसको ये किया है और ये चक्कू के हेल्प से मैं इसको देख रही हूँ कि पका है या नहीं ये देखिए चक्कू में नहीं आ रहा है मैंने इसका मतलब ये पक चुका है और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और गैस को ऑफ करके इसको ढक्कन लगा के मैं ऐसे इसको फिर 5 मिनट छोड़ देती हूँ 10 मिनट पक गया है तो इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट छोड़ देती हूँ और ये देख सकती है मैं इसको निकाल ली हूँ और इसको यहाँ देखिए यहाँ मैं कढ़ाई बैठा रखी हूँ गैस पर और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ और इसको गर्म होने देती हूँ। ये देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है और इसमें डालूंगी मैं राई और इसमें मैं डालूंगी कच्ची मिर्ची और इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ और इसमें मैं डालूंगी करी पत्ता पानी इतना अपने आइडिया से पानी डाल सकती है मैं शास्त्री बनाऊंगी थोड़ा सा और इसमें मैं डालूंगी चीनी अपने आप जितना मीठा खाती है उस हिसाब से डाल सकती है मैं इसमें 2 चम्मच इस चम्मच से चीनी दी हूँ और इसको मैं इसमें गला लेती हूँ और ये देखिए मेरा चाशनी हो गया है इसको पूरा चाशनी नहीं बनाना है थोड़ा सा चीनी को ऐसे ही गलाना है और ये मेरा चाशनी बन गया है और मैं अब गैस कर देती हूँ ऑफ और ये मेरी चाशनी है देखिए मैं इसको ढोकले पर आस्ते आस्ते करके डाल दूंगी सूप पर अच्छे से डाल देती हूँ जितना बनाया है उस पर तो गाइस ये देख सकती है मेरा ढोकला बनके रेडी है और बहुत टेस्टी है आप घर में एक बार जरूर बनाएं आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकती हैं कि कैसा बना है और थैंक यू मेरा शेयर को चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।